हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ स्विचिंग नेटवर्किंग के बारे में डिस्कस करेंगे लास्ट वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मोड डिस्कस किए थे हाफ डुप्लेक्स डुप्लेक्स और फुल दुप्लेक्स. इस वीडियो में हम स्विचिंग डिस्कस करेंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेट्स स्टार्ट द वीडियो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्विचिंग क्या होती है स्विच वो डिवाइस होता है जो मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है नेटवर्क में यानी कि बहुत सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं स्विच के थ्रू अब देखते हैं स्विचिंग क्या होती है जब एक पोर्ट से आए हुए डेटा पैकेट्स को दूसरे पोर्ट में पहुंचाया जाता है तो उसे स्विचिंग कहते हैं स्विचिंग के थ्रू जो भी सेंडर डेटा सेंड करता है वो रिसीवर तक पहुंच जाता है स्विचिंग के तीन टाइप्स होते हैं पहला होता है सर्किट स्विचिंग दूसरा होता है पैकेट स्विचिंग और तीसरा होता है मैसेज स्विचिंग तो चलिए एक एक करके इन्हें डिस्कस करते हैं सबसे पहले आता है सर्किट स्विचिंग जैसा कि आप नाम से देख सकते हैं सर्किट यानी कि पहले से एक सर्किट बना होता है इसमें नोट्स कम्युनिकेट करते हैं एक डेडिकेटेड पाथ में इसमें डेटा एक प्री स्पेसिफाइड रूट पर ही ट्रेवल करता है और सेंडर से रिसीवर तक पहुंच जाता है इसका बेस्ट एग्जांपल है टेलीफोन टेलीफोन में जो भी हम बात करते हैं वो सेंडर से रिसीवर तक डायरेक्टली पहुंचती है और कोई भी मैसेज एक दूसरे में मिक्स नहीं होता है और सीधा सीधा डेटा ट्रैवल करके पहुंच जाता है ये होता है हमारा सर्किट स्विचिंग नेक्स्ट आता है मैसेज स्विचिंग मैसेज स्विचिंग में पूरे मैसेज को एक डेटा यूनिट की तरह ट्रीट किया जाता है इसमें स्टोर एंड फॉरवर्ड का मैकेनिज्म यूज़ होता है पहले जो भी डेटा होता है मैसेज होता है उसे स्टोर किया जाता है और फिर उसे फॉरवर्ड किया जाता है जो भी स्विचिंग डिवाइस है ए और बी के बीच में ए यहाँ पर सेंडर है बी रिसीवर है उसमें पहले डेटा स्टोर होगा और आगे फॉरवर्ड होगा इसका एग्जाम्पल है इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी कि ईमेल जो हम सेंड करते हैं और मैसेजेस जो हम सेंड करते हैं वो एक नोड से दूसरे नोड में ट्रांसफर होते हैं मैसेज स्विचिंग के थ्रू जितने भी स्विचिंग डिवाइसेज होते हैं बीच में उनमें पहले स्टोर होता है मैसेज उसके बाद फॉरवर्ड होता है हर स्विचिंग नोड स्टोर करता है एंटायर मैसेज को ट्रांसमिट करता है नेक्स्ट नोड को अगर नेक्स्ट नोड के पास इनफ स्पेस नहीं होता है मैसेज को स्टोर करने के लिए स्विच मैसेज को स्टोर रखता है और वेट करता है जब नेक्स्ट नोड के पास फ्री स्पेस होता है तो वो उसे फॉरवर्ड कर देता है एट लास्ट वो रिसीवर तक पहुंच जाता है ये होता है मैसेज स्विचिंग का नेक्स्ट है हमारा पैकेट स्विचिंग पैकेट स्विचिंग में डेटा को स्मॉल चंक्स में डिवाइड कर दिया जाता है जिसे पैकेट कहते हैं हर पैकेट को इंडिविजुअली सेंड किया जाता है पैकेट स्विचिंग में हर पैकेट के अंदर सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस होता है ताकि वो ट्रैवल कर सके इंडिपेंडेंटली नेटवर्क में एक भी पैकेट मिस ना हो नेटवर्क में इसलिए उसके पास इंफॉर्मेशन स्टोर होती है सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने की डिफरेंट पैकेट्स डिफरेंट पाथ लेते हैं जाने के लिए अलग अलग पैकेट्स अलग अलग रास्तों से होकर गुजरते हैं इसलिए कई बार क्या होता है कि वो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाते हैं इस टाइप की स्विचिंग नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स द्वारा यूज़ की जाती है जो भी ओ एस आई लेयर्स होती हैं या टी सी पी आई पी लेयर होती है उसमें जो भी डेटा जाता है वो पैकेट्स की फॉर्म में जाता है एप्लीकेशन लेयर से तो डेटा कंटिन्यूसली जाता है लेकिन नेटवर्क लेयर पर हम डेटा को पैकेट्स की फॉर्म में डिवाइड कर देते हैं और नेटवर्क में सेंड कराते हैं इस तरह के से पैकेट स्विचिंग का यूज़ होता है प्रोटोकॉल्स के द्वारा पैकेट स्विचिंग का एक ड्रॉबैक होता है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है डेटा को सेंड होने में अगर हमें ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र करना है तो हम सर्किट स्विचिंग का यूज़ करते हैं वो सबसे ज़्यादा रिलायबल होता है आई होप ये सभी टाइप्स की स्विचिंग आपको क्लियर हो गई होंगी आपने हमारा ट्रांसमिशन मोड ऑफ नेटवर्किंग का वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद एप स्टडी नाओ